हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूँ कियस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो सभी इग्नू स्टूडेंट के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको दिसंबर 2022 एग्ज़ाम के लिए कौन से असाइनमेंट बनाकर सबमिट करने हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको कौन से असाइनमेंट बनाने होंगे, क्योंकि इग्नू पुराने असाइनमेंट्स भी वेबसाइट पर अवेलेबल रखता है और न्यू सेशंस के भी अवेलेबल होते हैं। तो इसी बीच स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से असाइनमेंट उनको दिसंबर 2022 सेशन के लिए सबमिट करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको आना होगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। अभी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इस वेबसाइट आपने पहले भी, मैंने कई बार आपको बताया है कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को आप अच्छे से देख लें, किसी और वेबसाइट पे विजिट ना करें। उसका यूआरएल भी आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसी यूआरएल पे आपको आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट सपोर्ट का। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है जिसमें आपको डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये इग्नू का डाउनलोड सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है असाइनमेंट्स, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इग्नू के असाइनमेंट्स की प्रोग्राम वाइज पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के असाइनमेंट्स भी हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के असाइनमेंट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम और एप्रिसिएशन प्रोग्राम, यानी इग्नू के जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सभी इन कैटेगरीज़ के अंडर आते हैं। और इन्हीं कैटेगरीज़ में भी आपके सब्जेक्ट और आपके कोर्स होंगे। सपोज डैट अगर आप इग्नू से मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। जैसे मैंने मास्टर डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, आपके सामने इग्नू के जितने भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको चूज़ करना है अपना प्रोग्राम कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एमए हिस्ट्री एक इग्नू का कोर्स है जिसका असाइनमेंट मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये असाइनमेंट दिसंबर 2022 के लिए है या नहीं है। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एमए हिस्ट्री, क्लिक करने के बाद आपके सामने एमए हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड ईयर के सेशन के असाइनमेंट अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है एमए हिस्ट्री 2022 से 2023 और दूसरा ऑप्शन है एमए हिस्ट्री 2021 से 2022। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन से असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं, क्योंकि दोनों ही असाइनमेंट अनसॉल्व असाइनमेंट हैं जो स्टूडेंट सबमिट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ क्लिक करना होगा एमए हिस्ट्री 21 से 22 वाले सेशन पर। उसका रीज़न मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले हम क्लिक करते हैं एमए हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट है वो हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश वाले को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपके सामने असाइनमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखा हुआ है फॉर जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022 सेशंस, यानी कि जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है या फिर रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी इस असाइनमेंट को बना सकते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ ये उन सभी स्टूडेंट के लिए भी था जिन्होंने जुलाई 2021 में अपना असाइनमेंट बनाया था और जून 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं, यानी जो अभी सेशन गया है उस सेशन के स्टूडेंट ने भी इन्हीं असाइनमेंट को बनाकर सबमिट किए होंगे। तो आप भी इस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं। आपको यही चेक करना है कि आपके असाइनमेंट में जनवरी 2022 सेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने जनवरी 2022 सेशन में रजिस्ट्रेशन किया है या फिर न्यू एडमिशन लिया है तो आप इस सेशन के लिए ये असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है उन स्टूडेंट की जिनका ना तो जुलाई 2021 सेशन है ना जनवरी 2022 सेशन है, तो वो इस असाइनमेंट को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो उनको भी यही असाइनमेंट बनाना है, क्योंकि जो ये दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम हैं
ये जनवरी 2022 सेशन वाले स्टूडेंट्स के होते हैं, तो इसी वजह से उनको ये असाइनमेंट बनाने होंगे। चाहे आपने पहले कभी भी असाइनमेंट ना दिए हो या फिर किसी असाइनमेंट को में कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो भी उनको ये असाइनमेंट बनाकर सबमिट करने होंगे। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर जनवरी 2022 लिखा हुआ है, जिन असाइनमेंट में ये मेंशन होगा समझो वही असाइनमेंट बना के दिसंबर 2022 के लिए आपको सबमिट करने होंगे। अब बैक चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो दूसरे असाइनमेंट हैं उसके बारे में भी। यहाँ पर जो ऊपर आपने देखा था एमए हिस्ट्री 2022 से 23 लिखा हुआ है, अगर हम इसका असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है। तो यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट ईयर का इंग्लिश मीडियम को ही सिलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है असाइनमेंट फॉर जुलाई 2022 और जनवरी 2023, यानी कि जिन स्टूडेंट ने जो अभी सेशन चल रहा है जुलाई 2022 का, जो अब इसमें एडमिशन लेंगे या री रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होंगे इग्नू के, तब वो इसको बनाकर सबमिट करें। और वो सभी स्टूडेंट भी इसको बनाएंगे जो आने वाली जनवरी 2023 आने वाली है, जो उसमें एडमिशन्स लेंगे या री रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको भी यही असाइनमेंट बनाकर सबमिट करने हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस वजह से ये असाइनमेंट अलग अलग हैं। आपको बस यही देखना है कि असाइनमेंट कौन से सेशन के लिए है। सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जनवरी 2022 और जुलाई 2022, सॉरी जनवरी 2023 और जुलाई 2022। तो ये चीज़ आप देख लें, यानी कि ये असाइनमेंट जो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, ये उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम देंगे। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लास्ट डेट दी है जुलाई 2022 सेशन के स्टूडेंट के लिए। जिन स्टूडेंट ने जुलाई 2022 में अभी एडमिशन लिया है या रजिस्ट्रेशन किया है, उनको ये असाइनमेंट 31 मार्च 2023 से पहले जमा करने हैं, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होंगे जून में उनके लिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनवरी 2023 सेशन लिखा हुआ है, जो कि सेशन अभी आया भी नहीं है, उसके असाइनमेंट भी एडवांस में यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। तो उसके लिए जो सबमिशन की डेट है वो 30 सितंबर 2023 है, यानी नेक्स्ट ईयर जो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे वो सभी स्टूडेंट इन असाइनमेंट को बनाएंगे। यानी कि अभी आपको ये असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, आपको जो असाइनमेंट बनाने हैं वो हैं आपके 2021 से लेके 2022 के असाइनमेंट। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, किस तरह से आपको असाइनमेंट का सिलेक्शन करना है, कि ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपकी असाइनमेंट नहीं है। देन आगे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम का कोर्स आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि आपका डाउट अगर कुछ हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर CBCS BA कोर्स आ रहा है, BSc CBCS आ रहा है, यानी जितने भी बैचलर कोर्सेज इग्नू में अवेलेबल हैं वो सभी यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ सेकेंड ऑप्शन पर, जहाँ पर मुझे जुलाई 2021 जनवरी 2022 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसी पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट होंगे कैटेगरी वाइज। आप देख सकते हैं एबिलिटी वालों की लिस्ट अलग है और यहाँ पर इलेक्टिव कोर्स की लिस्ट अलग है, ये सारी लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी यहाँ पर, जो भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेन जो चीज़ें वो बता देता हूँ। ऊपर आप सेशन चेक करें, यहाँ लिखा हुआ है सेशन जुलाई 2021 से लेके जनवरी 2022 और उसके बाद जनवरी 2022 से लेके जुलाई 2022, यानी कि वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है या रजिस्ट्रेशन किया है और जिन्होंने जनवरी में किया है या जुलाई 2022 में किया है, उन सभी के लिए यही असाइनमेंट है जो उन्हें डाउनलोड करके बनाने हैं। यानी कि आने वाले सेशन यानी जुलाई सेशन के जो एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर, उनको भी इन्हीं असाइनमेंट को बनाना होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर एक असाइनमेंट BA BANS 183 पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसमें क्या मेंशन है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, आप देख सकते हैं हिंदी में ये असाइनमेंट है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है जुलाई 2021 और जनवरी 2022 दोनों के लिए ये अवेलेबल है, यानी कि दिसंबर 2022 में आप इसे बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी असाइनमेंट में चेक करना है कि आप किस तरह सबमिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपका डाउट और क्लियर कर देगी,
कि यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2022, जनवरी 2022 वाले स्टूडेंट को 31 अक्टूबर तक ये असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, और अभी लास्ट डेट 31 अक्टूबर ही असाइनमेंट सबमिट करने की, आपको ये पता होगा इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट हो चुकी है। सो यानी कि यही वो असाइनमेंट है जो दिसंबर 2022 में बनाकर स्टूडेंट को सबमिट करना होगा। सो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये बताया है कि कौन से आपको असाइनमेंट बनाने हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं चाहता नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनाना, बट ताकि आपका कोई पॉइंट या कोई डाउट ना रहे, इस वजह से मैंने इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी डिटेल असाइनमेंट से रिलेटेड बताई है, ताकि आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद अगर आप बना लें और आपको पता चले कि वो असाइनमेंट आपके सेशन का नहीं है, उससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि आपको पहले से पता हो कि आपको कौन से असाइनमेंट डाउनलोड करके बनाने हैं, किसका सोल्यूशन आपको चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मैक्सिमम बिगिनर स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी इग्नू की यूट्यूब फैमिली काफ़ी बड़ी हो सके। और साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप मुझसे चैट के थ्रू भी डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।